नमस्कार, वेबवार्ता में आपका स्वागत है। नोटबंदी के बाद देश में सबसे ज्यादा किसी शब्द की चर्चा है तो वह है कैशलेस। वेबवार्ता में आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं वेब दुनिया के संपादक जयदीप कर्णिक जी। जयदीप जी, क्या देशवासी कैशलेस के लिए तैयार हैं और यह व्यवस्था कितनी सुरक्षित है? दो अलग अलग सवाल उठाए हैं आपने जला जी। सबसे बड़ी बात तो यह है कि कैशलेस के लिए तो ये देश सही मायनों में तैयार होने में बहुत समय लेगा। कैशलेस के लिए देश तैयार है या नहीं, यह अब बड़ा सवाल नहीं रह गया। सवाल यह है कि देश कितनी जल्दी कैशलेस को स्वीकार करता है, क्योंकि देश को नोटबंदी के बाद जो सबसे बड़ा नारा दिया गया है वो कैशलेस का, यानी कि बिना नकद के खरीद फरोख्त करने की ओर धकेला गया है। ये देश की मजबूरी है अब कि वो तेजी से कैशलेस की ओर बढ़े। और ये कितना सुरक्षित है, ये जो ऐसा सवाल है, इसका सबसे पहले मैं ये जवाब दे देता हूँ कि मॉर्गन स्टैनले दुनिया की सबसे बड़ी बैंक मानी जाती है और वो दुनिया में अपनी साइबर सिक्योरिटी पे, यानी अपने जो डिजिटल ट्रांजेक्शन्स हैं, डिजिटल उनका लेन देन है पूरा, जिस जो कैशलेस होता है उसकी सुरक्षा पर दुनिया में सबसे ज़्यादा पैसे खर्च करती है। लगभग 2 अरब रुपये वो खर्च करते हैं इसके ऊपर, और उसके बावजूद भी उनके जितने भी ट्रांजेक्शन्स हैं वो सुरक्षित है कि नहीं, इसकी वो गारंटी नहीं ले सकते। और उनकी जो बैंकिंग व्यवस्था है उसमें भी सेंध लगाई जा चुकी है। तो जो सबसे ज्यादा पैसे खर्च करने वाली वित्तीय संस्था है वो भी इस बात की जब गारंटी नहीं दे सकती, तो ये कोई नहीं कह सकता कि कैशलेस लेन देन जो है वो सुरक्षित है और पूरी तरह से निरापद है और इसको बेधड़क इस्तेमाल किया जा सकता। बल्कि जितना हम कैशलेस बढ़ाएंगे, साइबर हमलों के, डिजिटल पैसों के चोरी होने के खतरे बढ़ते जाएंगे। तो सवाल यह कि क्या हम कैशलेस नहीं हो? नहीं, कैशलेस होना चाहिए। कैशलेस होने के अपने फायदे हैं, आपको नकद लेकर घूमना नहीं पड़ता। दूसरा, जो बैंकों में नकद रखी है, आप लगातार नकद लेकर घूमते हैं तो उसकी भी तो कोई गारंटी नहीं कि वो चोरी नहीं होगा। आपने घर में बहुत सारा पैसा रखा है, चोर आके चुरा के ले जा सकता है, लुटेरे ले जा सकते हैं, डाका पड़ सकता है। आप ट्रेन में जा रहे हैं, पैसा चोरी हो सकता है, बैंकों में डाके पड़ते हैं, बैंकों से नकद चुरा कर ले जाया जाता है। तो ये है कि सुरक्षित तो दुनिया में कुछ भी नहीं है। लेकिन जब कैशलेस हो जाता है तो चोरी करना इसलिए आसान हो जाता है कि जो चीज मालूम नहीं है लोगों को, आप किसी को मालूम होना चाहिए ना कि आपकी जेब में इस वक्त 1 लाख 2 लाख रुपए कैश है, आपकी गाड़ी के डिक्की में कैश रखा हुआ, आपके घर पे कैश रखा हुआ है, मालूम होगा तो आसान हो जाएगा। डिजिटल में क्या होता है कि मालूम हो जाता है, डेटा सारा ऑनलाइन है, उसको हैक करना बहुत आसान है। डिजिटल दुनिया जो है बहुत अलग तरीके से संचालित होती है। देश तैयार है कि नहीं, इसमें सबसे बड़े सवाल यह है कि क्या नोटबंदी का उद्देश्य काले धन पर रोक लगाना, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना, आतंकवादियों की कमर तोड़ना, नक्सलवाद पर अंकुश लगाना, जो कि पहले दिन कहा गया था 8 नवंबर को 8 बजे, वो था, या देश को कैशलेस इकोनॉमी की राह पर ले जाना था? अगर उद्देश्य कैशलेस इकोनॉमी बनाना था तो उसके लिए इस तरह जोर का झटका, अचानक की गई घोषणा, उसकी कोई जरूरत नहीं थी। कैशलेस इकोनॉमी की तरफ तेजी से बढ़ने के लिए जरूरी था कि देश में केवल 2 लाख एटीएम नहीं होते, कम से कम 20 लाख एटीएम होते। कैशलेस इकोनॉमी की तरफ बढ़ने के लिए जरूरी था कि 2 करोड़ नहीं 25 करोड़ लोगों के पास क्रेडिट कार्ड होता। कैशलेस इकोनॉमी की तरफ बढ़ने के लिए जरूरी होता कि गांव देहातों में लोगों के बैंक में खाते होते। जनधन खाता बनाने से कुछ नहीं होगा, उस खाते को ऑनलाइन जोड़ना जरूरी है, उनकी गैस की सब्सिडी उस खाते में जमा हो रही, यही उनको ढंग से नहीं पता। तो गांव देहातों का देश, जिसमें आबादी का एक बहुत बड़ा प्रतिशत अभी भी बैंकिंग व्यवस्था से ही ठीक से नहीं जुड़ पाया, कैशलेस उसके आगे की बात है। क्योंकि जो कैशलेस से जुड़ा है उसका बैंकिंग से जुड़ा होना जरूरी है। बैंकिंग से जुड़कर उसको ऑनलाइन ट्रांजेक्शन की जानकारी होना, अब मोबाइल एप्स की जानकारी होना, मोबाइल ऐप से बैंकिंग का जो जुड़ाव होता है उसकी जानकारी सब जरूरी है। तो उसके लिए तो आपको झटका देने की जरूरत नहीं थी। आप 6 महीने तक जो डिजिटल भारत अभियान है उसी के अंतर्गत कैंपेन चलाते कि कैशलेस होना जरूरी है और इसकी ये समय सीमा है, और जिसके पास क्रेडिट कार्ड नहीं होगा, अब क्रेडिट कार्ड की भी बहुत सारी दिक्कतें हैं, क्रेडिट कार्ड सबको मिलता नहीं है, मिलता है तो फ्रॉड होते हैं। तो आप इन सब से कैसे बचेंगे और इस सब की तरफ देश को अचानक धकेल देना क्या उचित है, ये ज्यादा बड़ा सवाल है मेरी तरफ से। लेकिन लोगों को कैशलेस के लिए मजबूर करना कहां तक उचित है? बात ही है कि देखिए, मैं सवाल इस बात पर उठाना चाहता हूं कि निश्चित तौर पर जो 8 नवंबर को इस देश में हुआ 2016 को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो घोषणा की, साहसिक घोषणा थी, हम सब उसके साथ खड़े थे। लोग तो आज भी बैंकों की लाइनों में खड़े होने के बावजूद कह रहे हैं, वो इसलिए कह रहे हैं कि ये उम्मीदों पर जीने वाला देश है, ये आशावाद पर जीने वाला देश है। इस देश को लगातार सपने दिखाकर ही छला गया है और उसने एक बड़ा सपना देखा। मैं इस पूरी घोषणा की नीति और नियत पर भी शक नहीं कर रहा हूं। हो सकता है कि बहुत अच्छी नीति है, बहुत अच्छी नियत थी, कोशिश भी यही थी जो कही गई
कि काले धन पर हम रोक लगाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं से तो एक बड़ा हमला होना जरूरी था। ये देश बहुत समय से ढर्रे पर चल रहा था लगातार, और हमको ये लगता था कि ये जो बड़े पूंजीपति हैं, बड़े धनपति हैं, अपने घर में बोरों में और गद्दों में और तकियों में पैसे भरकर रखने वाले लोग हैं, क्या इनका कभी कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो अचानक हमें लगा कि एक ऐसी तलवार चली है जिसकी उसको खुद भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष से लेकर नीचे तक भाजपा से जुड़े, सरकार से जुड़े कई लोगों ने शब्द का इस्तेमाल किया कि ये काले धन पर सर्जिकल स्ट्राइक है। इसको 2-3 दिन में बाद में वापस भी ले लिया गया, क्योंकि जब सड़क का माहौल देखा, इसलिए कि सर्जिकल स्ट्राइक का मतलब ये होता है जो सेना ने की थी। सर्जिकल दरअसल शब्द ही इसलिए आया कि ऑपरेशन में आपका कोई खराब अंग है तो आप उसको काट कर फेंकते हैं बिना किसी अन्य अंग को, किसी हिस्से को क्षति पहुंचाए, कम से कम खून गंवा कर अगर आप केवल उस हिस्से की रिपेयरिंग कर देते हैं, उसकी चिकित्सा कर देते हैं तो वो सर्जिकल होता है। ऐसे ही अगर सेना ने जाकर केवल बंकर उड़ाए हैं, केवल आतंकवादियों के शिविर उड़ाए हैं तो वो सर्जिकल स्ट्राइक है। ऐसे ही अगर आपने केवल काले धन पर वार किया है, केवल आतंकवाद पर वार किया है, केवल भ्रष्टाचार पर वार किया है, केवल नक्सलवादियों की कमर तोड़ी है तो वो काले धन पर सर्जिकल। लेकिन हुआ इसमें यह है कि गेहूं के साथ घुन पीसा और यहां घुन की संख्या बहुत ज्यादा थी। काले और सफेद को अलग करने के चक्कर में दरअसल यह हुआ कि काला सफेद एक दूसरे में इतना गुथा हुआ था कि जो सफेद वाला आदमी है ज्यादातर तो उसको परेशान होना, उसको लाइन में लगना पड़ा। दूसरा इस देश की दिक्कत यह है कि जो पहरेदार हैं, जो चौकीदार हैं, वो खुद ही लुटेरे हैं। जो बागड़ है वो खेत को खा रही है। इस देश में सब जगह बैंक का मैनेजर, उसकी जिम्मेदारी थी कि जो पैसा रिजर्व बैंक से आ रहा वो ठीक से बटे, उसने लोगों को दे दिए। हमारे सामने उदाहरण आ रहे हैं, 10-10, 20-20 करोड़ एक आदमी के घर में पहुंच गए। ये लोगों के कारों में और घरों में जो नए नोट निकले कैसे निकले? व्यवस्था की इन कमियों की वजह से ही निकले ना। रिजर्व बैंक के अधिकारी पकड़े गए। अब रिजर्व बैंक तो जब बागड़ खेत को खाने लगेगी, जब रक्षक ही भक्षक बन जाएगा तो फिर आप कोई सी भी व्यवस्था लाओ। इसलिए मैं शुरुआत में बात की थी, फिर से उसी पे आऊंगा कि नीति और नियत में मैं मानता हूं कि खोट नहीं थी। हो सकता है कि उद्देश्य बहुत पाक पवित्र था और इसमें राजनीतिक उद्देश्य जो लोग ढूंढ रहे हैं, पंजाब के चुनाव, उत्तर प्रदेश के, वो भी मैं नहीं, मैं तो ये भी मानता हूं कि खुद भारतीय जनता पार्टी के अंदर नोटबंदी को लेकर जिस तरह का विरोध है, जो खदबदाहट है, जो क्योंकि बहुत बड़ा व्यापारी वर्ग, वैश्य समुदाय भारतीय जनता पार्टी का समर्थक और वोटर रहा, वोट बैंक है वो, और उनकी भी हालत खराब हुई है, कमर टूटी है, उनको भी व्यावहारिक रूप से बहुत दिक्कतें आई हैं इस नोटबंदी से। तो अपने वोट बैंक को नुकसान पहुंचाकर अगर कोई नीति, कोई निर्णय लिया गया है तो निश्चित तौर पर वो बेहतरी के लिए लिया गया होगा, लेकिन सरकार को स्वीकार करना चाहिए। मुझे नहीं पता जो 50 दिन पूरे होने के बाद प्रधानमंत्री घोषणा करेंगे जिसकी बहुत चर्चा, उसमें वो क्या कहेंगे, लेकिन सरकार को ये ईमानदारी से स्वीकार करना चाहिए था कि ट्रेन किसी और दिशा में जानी थी, किसी और दिशा में चल पड़ी। ये भी सही है कि इसमें सरकार का दोष कम हो सकता है, सरकार का ये दोष जरूर हो सकता है कि जितनी तैयारी की, योजना की, प्लानिंग की जरूरत थी उतनी पुख्ता तैयारी नहीं हो पाई। लेकिन अगर आप कोई भी व्यवस्था को लागू करें और उस व्यवस्था को लागू करने वाले लोग ही, एग्जीक्यूशन की टीम ही उसको लूटने पर आमादा हो जाए तो वो व्यवस्था फेल होगी। तो इसमें व्यवस्था को सोचने वाले का और जनता तक पहुंचाने की कोशिश करने वाले का उतना बड़ा दोष नहीं माना चाहिए। हमें सरकार को उस बात की सराहत देनी चाहिए कि उन्होंने एक अच्छी नीति को अच्छे तरीके से लागू करने की कोशिश की थी, अच्छे तरीके से लागू नहीं हुई। उन खामियों को देखते हुए हम क्या सुधार कर सकते हैं, नोट इतने छप सकते हैं कि नहीं, जितनी बैंक नोट प्रेस हिंदुस्तान में है वो सारों की क्षमता क्या है, कितने समय तक कैश वापस आ पाएगा, इन सारे मुद्दों पर मुझे लगता है कि गंभीरता से विचार होना था। और अगर आपने काले धन वाली सारी मुहिम बहुत अच्छे से सफल नहीं हुई है तो उसकी आड़ में कैशलेस का नारा दिया है तो कैशलेस एक अलग व्यवस्था है। कैशलेस के लिए आपको गोपनीयता की जरूरत नहीं थी, कैशलेस के लिए आपको झटका देने की जरूरत नहीं थी, कैशलेस के लिए रातों रात, कैशलेस के लिए तो आप पहले लोगों को सक्षम बनाते और फिर कह देते कि भाई हम नकदी को धीरे धीरे बाजार से कम कर रहे हैं। आपने नोट कम इसलिए नहीं किए थे, बंद इसलिए नहीं किए 500,000 के, आपने इसलिए कि 500,000 के नोट नकली छपे हैं, भ्रष्टाचार जिन्होंने किया है उन्होंने चूंकि खाता दिखाना न पड़े इसलिए उन नोटों को बंडलों में, पर वो फेल इसलिए होगा कि वो बंडल बदलवा लिए लोगों ने नए नोटों से, तो आप कैशलेस पर आ गए। कैशलेस बुरी चीज नहीं है, यहां मैं इतनी सारी बातें कह रहा हूं, मैं ये बिल्कुल स्पष्ट कर दूं, मैं मानता हूं मैं खुद पिछले कुछ सालों से लगातार कैशलेस ट्रांजेक्शन कर रहा हूं और बहुत ज्यादा जरूरी होने पर ही नकद किसी को भुगतान करता हूं। गाड़ी में डीजल भरवाने से लेकर कपड़े जूते खरीदने तक और बच्चों की फीस भरने तक सारा भुगतान मैं डिजिटल से करता हूं। और मैं ये मानता हूं कि तमाम खामियों के बावजूद ये बेहतर भी है और सुविधाजनक भी है, और इससे मुझे सबसे बड़ा फायदा ये होता है क्योंकि नौकरी का सारा पैसा है तो मुझे अपना कोई अलग से हिसाब नहीं रखना पड़ता। मेरे क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट जो है, मेरे डेबिट कार्ड का जो स्टेटमेंट है, वो दोनों मिलाकर मुझे बता देते हैं कि मुझे कितने पैसे मिले थे, कितने खर्च किए, कहां कहां खर्च किए। तो इसके अपने फायदे हैं, बहुत सारी आसानियां भी हैं। जेब में नकद लेकर नहीं घूमना होता, उसकी चोरी हो जाने
गिर जाने, किसी के छीन लेने का भी मुझे चिंता नहीं होती। जो सुरक्षा मुझे बरतनी होती है अपने डिजिटल ट्रांजेक्शन के वक्त कि अपना पासवर्ड थोड़ा बेहतर रखें, गोपनीयता बरतें, अपने क्रेडिट कार्ड को सावधानी से रखें, क्रेडिट कार्ड का सीवीवी नंबर किसी को नहीं बताएं, अनजान फोन कॉल मुझे भी बहुत सारे आते हैं, उन फोन कॉल्स की तरफ अनदेखा करना, उनको ध्यान न देना, बैंक में सही तरीके से मोबाइल नंबर का रजिस्ट्रेशन कराना, बैंक के अधिकारी जब आपसे पूछते हैं और जो बैंक अधिकारी नहीं है वो पूछता उसमें अंतर करना, ये सावधानियों के साथ आप कैशलेस ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। मैं कैशलेस ट्रांजेक्शन को उतना बुरा नहीं मानता हूं जितना इसको अचानक थोपे जाने को और काले धन और भ्रष्टाचार के मुद्दे को अचानक कैशलेस की तरफ मोड़ दिए जाने को, इसको मैं गलत मानता हूं। धन्यवाद जयदीप जी, हम चर्चा कर रहे थे कैशलेस व्यवस्था की, अगली बार फिर किसी नए विषय पर चर्चा करेंगे। नमस्कार।